हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइजर। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो अपनी गाड़ी या बाइक की नंबर प्लेट को बदल लेते हैं कोई भी क्राइम करने के लिए या चालान से बचने के लिए। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये एक तरीके का कानूनी अपराध है। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 482 के अंदर ये बता रखा है कि इसमें अगर ऐसा कोई बंदा करता हुआ पकड़ा जाता तो उसे 1 साल तक की सजा मिलती है और उसे कंपनसेशन भी पे करना पड़ सकता है, या फिर उसे बोथ, मतलब उसे सजा भी मिलेगी और उसे कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। और मैंने बहुत से लोगों को देखा कि कई लोग क्या करते हैं कि हर थोड़े थोड़े दिनों में नंबर प्लेट भी बदल लेते हैं। तो इसके लिए भी सज़ा मिलती है कि अगर आप किसी गाड़ी से कोई जा रहे हैं और आपकी उस गाड़ी की नंबर प्लेट गलत लगी हुई है और आपकी वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं गाड़ी को और देख लेते हैं कि तो नंबर प्लेट गलत है, और वो गाड़ी की तलाशी करते हैं और उसके अंदर पता लग जाता है कि और भी नंबर प्लेटें बदली हैं। तो कई लोग ऐसा चालान से बचने के लिए करते रहते हैं या कोई अनइंटेंशनली कानूनी अपराध करने के लिए करते रहते हैं। तो उसमें होता यह है कि अगर आपके यूँ पुलिस को दिख जाता है कि आपकी गाड़ी के अंदर आप नंबर प्लेट हर थोड़े थोड़े दिनों में बदलते रहते हैं तो आपके ऊपर 7 साल तक की सज़ा भी लग सकती है। इंडियन पेनल कोड के 473 सेक्शन के अंदर ये बता रखा है। और अगर आपको पुलिस को पता लग जाता है कि आप कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, जैसे कि रॉबरी करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं, कोई भी अनइंटेंशनली चोरी करने जा रहे हैं, कोई मर्डर करने जा रहे हैं, कोई भी क्राइम करने जा रहे हैं, और अगर पुलिस को ये बात पता लग जाती है कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, ये नंबर प्लेट बदलने के अगर बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं आप आगे जाके, तो पुलिस आपके ऊपर 463 का सेक्शन भी लगा सकती है, जिसके हिसाब से आपके ऊपर 10 साल तक की सजा होगी और आपको मतलब कंपेंसेशन भी पे करना पड़ सकता है। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।